यात्रीगण कृपया ध्यान दें, देश दुनिया के रस्तों पे जाने वाली और आपके दिलों पे छाने वाली यकूजा एक्सप्रेस अब पहुंच चुकी है चाइना के चेंगडू शहर में। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी चाइना की एक ऐसी शॉपिंग स्ट्रीट जो कि लंदन या न्यूयॉर्क के बड़े बड़े मार्केट को मात दे सकती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ चुंगसी स्ट्रीट। ये चाइना में प्रीमियम शॉपिंग स्ट्रीट है। चेंगडू चाइना में दूसरा दिन और अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30। तो हम निकल रहे हैं अपने होटल से, हॉलीडे इन एक्सप्रेस वेस्ट गेट। इस होटल की लोकेशन अच्छी है एक्चुअली। चलो, हमारी लिफ्ट आ चुकी है। तो होटल की लोकेशन अच्छी है और बज रहे हैं सुबह के 8:30। आज हमारा चेंगडू में आखिरी दिन है। आखिरी क्या मतलब, दूसरा ही दिन है, आखिरी दिन है। और फिर उसके बाद हम दूसरे शहर कनमिन जाने वाले हैं। तो आज बहुत सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं। अभी मैं जा रही हूँ ब्रेकफास्ट के लिए। तो सिंपल वही सिस्टम है अपना, चाबी लगाई और दबा दिया तीसरा फ्लोर। तो ये टैक्सी बुक कर रहे हैं हम दीदी ऐप से। दीदी ऑप्शन आ रहा है, एक्सप्रेस, दीदी फ्लैश। तो एक सेलेक्ट किया, कंफर्म रिक्वेस्ट एक्सप्रेस। कार्ड मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो इसमें पेमेंट पहले देना होता है। अब यहाँ पे पहले पे कर देते हैं, ठीक है। बहुत सारे पेमेंट ऑप्शन आ रहे हैं। अली पे सेलेक्ट किया मैंने, डन। अभी देखिए आपका भाई जो है आ गया। तो टैक्सी बुक करना जैसे इंडिया में बुक करते हैं वैसे ही है, बस दीदी ऐप डाउनलोड कर लो, अली ऐप डाउनलोड कर लो और वीचा डाउनलोड कर लो, दैट्स ऑल। बाकी कैश मैंने टैक्सी में अभी तक पे करके देखा नहीं। तो चलिए चलते हैं। ये हमारी टैक्सी का हम कर रहे हैं इंतज़ार और ये है हमारा हॉलीडे इन एक्सप्रेस होटल। ये लोकेशन ठीक है, यहाँ से आपको टैक्सी वैक्सी मिल जाती है, वहाँ पर कुछ खाने पीने की जगह है और यहाँ पर ये आपका डिपार्टमेंटल स्टोर जैसा है होटल के नीचे। तो आपको कुछ लेना करना है तो ठीक है। और ये आप देख रहे हैं यहाँ पे है आपका मेट्रो। तो मेट्रो की कनेक्टिविटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो हम सोच रहे दिन में एक या दो बार मेट्रो लेंगे। टेक्निकली हम नॉट अ टैक्सी पर्सन, बट यहाँ टैक्सी थोड़ी सी अफोर्डेबल है, टाइम कम है, बहुत चीज़ें करनी है। तो अभी हम जा रहे हैं चुंगसी स्ट्रीट, जहाँ पर कल हम रात को भी गए थे, थोड़ा माहौल देख करके आए। और अब हम वहाँ जा रहे हैं कुछ और खाने के लिए और फिर वहाँ से अपना दिन कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए सुबह सुबह का टाइम है, तो मार्केट जाने से पहले हो जाए कुछ लोकल चाइनीज ब्रेकफास्ट। तो देखिए सस्ते दाम देकर के एक महंगी सी गाड़ी में बैठ करके हम आ चुके हैं ये लोकल ब्रेकफास्ट जॉइंट में। ओ माय गॉड, मैंने तो सिर्फ सर्च किया था कि बेस्ट प्लेस टू हैव लोकल फूड, लेकिन यहाँ तो कुछ ज्यादा ही भीड़ है। देखिए हमें कोई बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है चाइनीज खाने की, तो मेन्यू में जो भी ठीक ठाक मिला और शाकाहारी लगा वो हमने मंगा लिया। ये देखिए अभी हमारा चेंगडू में दूसरा दिन और शिज़वान प्रोविंस, वो जो शिज़वान सॉस आपने सुना होगा, बस वो शिज़वान सॉस जहाँ से निकला है वहीं पे हम बैठे हैं और देखते हैं कि वो लोग ब्रेकफास्ट में क्या खाते हैं। तो अभी हम चेंगडू में टिपिकल लोकल ब्रेकफास्ट करने के लिए आए हैं। ये देखिए, ये एक ओरांदे करके एक डिश होती है जो कि गैम्ते कोई सीवीड का स्टार्च होता है, उसके अंदर मूंगफली और चने वने मिला के बनता है। तो ये खाने की कोशिश करते हैं। भूंगड़े होते हैं ना अपने, भूंगड़े, उसको किसी स्टार्च में मिला करके। ओके, ये इनका राइस डम्पलिंग और उसके साथ ब्लैक शुगर है, ये नाश्ते में खाने की चीज़ है। और ये ऊपर सोयाबीन का पाउडर डाला हुआ है। ये ट्राई करते हैं। अंदर से एकदम ऐसा रबर जैसा है और बाहर से क्रंची क्रंची। ये मीठा जितना आपको दिख रहा है, ब्लैक शुगर मतलब गुड़ जैसा स्वाद आ रहा है। और ये ऊपर जो बुरादा है ये मूंगफली का नहीं है, देखते मुझे लगा मूंगफली का, सोयाबीन का पाउडर है। इसके अलावा एक और चीज़ यहाँ पर ये लोग खाते हैं, ये सिल्कन टोफू, सड़े हुए चावल का पानी और उसके साथ फ्लावर टोफू, सिल्कन टोफू, एक वो ब्रेकफास्ट पर खाते हैं। हमें माहौल देखते हैं, बहुत ज़्यादा ना यहाँ पे गरम गरम धुआंदार सूपी सूपी खाना, तीखा तीखा खाना, वो सब ब्रेकफास्ट में खाते हैं। पीछे आप देख रहे हैं इनका टिपिकल किचन है, धुआं ही धुआं आ रहा है, डम्पलिंग वम्पलिंग, वो जो मोमोज हम खाते हैं ना उसी का भाई डम्पलिंग, तो उस तरह की चीज़ें ब्रेकफास्ट में खाते हैं। तो सुबह सुबह का हमारा पहला मील, खाना खाने से ज़्यादा होने से मुझे वाइब अच्छा लग रहा है, एकदम हसल हसल। वो आंटियाँ देख रहे हो ऐसा लग रहा है लड़ा रही है, बट वो लड़ा नहीं रही है एक्चुअली, वो बात ही ऐसे करते हैं। तो यकूजा एक्सप्रेस ईटिंग वेजिटेरियन ब्रेकफास्ट इन चेंगडू शिज़वान वेयर द चाइनीज लोकल ईट। सी आई टेल यू, एवरीवेयर यू गेट वेजिटेरियन फूड। तो चलिए
अपने दिन की शुरुआत कर रहे हैं मीठे के साथ। तो इतना सारा खाना खाने के बाद अब समय है इस खाने को थोड़ा पचाया जाए और चुंगसी स्ट्रीट पे थोड़ी सी वॉक की जाए। ऑनेस्टली मैंने जब मैप पे डाला चुंगसी स्ट्रीट और फिर अलग अलग चीजें मुझे चौंकाती चली गई। तो ये है चेंगदू जो कि सिचुआन प्रोविंस जो है उसकी राजधानी है और ये है उनकी सबसे हैपनिंग प्रीमियम शॉपिंग वाली स्ट्रीट। तो कल हम रात को यहाँ आए थे, बिल्कुल अलग माहौल था लेकिन बहुत सारी चीज़ें बंद थी तो हमने सोचा दिन में आपको दिखाते हैं। बहुत ही मॉडर्न चाइना आपको यहाँ देखने को मिलेगा, फैंसी फैंसी बिल्डिंग्स। एक्चुअली चाइना में सब जगह फैंसी बिल्डिंग्स ही हैं, तो उस तरह की फैंसी बिल्डिंग, एकदम प्रीमियम लग्जरी ब्रांड्स, बहुत सारी खाने की चीज़ें। तो बेसिकली ये जगह चाइना में जितने भी बड़े शॉपिंग स्ट्रीट्स है या शॉपिंग के एरियाज हैं उसमें से तीसरे नंबर पे आता है। तो पहला शायद हांगकांग या फिर शंघाई में कहीं पे है और ये तीसरे नंबर पे आता है। तो इन कंक्लूजन बहुत ही बड़ा ग्रैंड एरिया है जहाँ शॉपिंग के लिए जाना जाता है, खाने पीने के लिए जाना जाता है, चुंगसी स्ट्रीट। तो चलिए आपको थोड़ा सा आसपास दिखा दें, लेकिन फिलहाल के लिए सर्दी का मौसम और अच्छा माहौल, हरा भरा रंगीन। तो ये ब्रिज है तो ब्रिज क्रॉस करते हैं और नीचे आपको दिखाते हैं कि यहाँ का मार्केट कैसा है। फैंसी इलाका है। वैसे मैंने चाइना में, अभी हम दिसंबर के टाइम पे घूम रहे हैं और वैसे मैंने चाइना में इतना क्रिसमस का कॉन्सेप्ट नहीं देखा है, मतलब दे आर वेरी प्राउड ऑफ देयर ओन कल्चर, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये यूनिक सा एक क्रिसमस ट्री दिख जाएगा। पाइप पाइप से बनाया हुआ है इन्होंने, पता नहीं कौन सी ब्रांड्स हैं, आदि तो मैंने सुनी भी नहीं ऑनेस्टली, उन सब के शोरूम्स हैं। देखिए इंडिया की हाई स्ट्रीट में आपको इस तरह की शॉप्स नहीं दिखेगी, जो जो ब्रांड्स यहाँ पे लिखे हुए हैं ये सब चाइनीज़ ब्रांड ज़्यादा है। ये भाई पांडा भाई की आपकी सब जगह इसका सामान मिलता है, इतना पांडा डेडिकेटेड शॉप्स है। मिनीसो, चलो मिनीसो तो हमारे इंडिया में भी है। ये देखिए आप ऊपर रकबाजी देखिए भाई साहब, बिल्डिंग्स देखिए, माहौल देखिए, ब्रांड्स पता नहीं कौन कौन सी ब्रांड्स है, फैशन देखिए, मतलब अलग ही जगह है यार। ये देखिए ये पूरा स्ट्रीट है और ऐसा बहुत सारा आसपास का एरिया है। देखिए ये रहा आपका पांडा, वो जो IFS इंटरनेशनल सेंटर समथिंग पे भाई लटका हुआ है। ओके तो यहाँ पे हमें दिख चुकी है इंटरनेशनल फाइनेंस सेंटर और ताइकुली वाला वो जो पांडा है उसके जस्ट अगेंस्ट में आपको दिखेगा ये स्टारबक्स रिजर्व। तो चलिए अंदर चलते हैं। बस एक रम फ्लेवर्ड चॉकलेट मोका। ओके थैंक यू। ओके चलिए कॉफ़ी ले लिया हमने और चलते बाहर। अब देखिए चेंगदू शहर में राज है पांडा भैया का और इनसे सब मिलने आते हैं इस इमारत पे। ये है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर जिसपे ये बहुत ही आइकॉनिक जगह है चेंगदू में फोटो खिंचाने के लिए। तो अब इनसे मिलने के लिए हमें इस मॉल की छत पे जाना पड़ेगा। जी हाँ, ऊपर से नजारा कुछ ऐसा दिखता है। तो यहाँ पे दो तीन स्ट्रीट है लेकिन मुझे ये स्ट्रीट सबसे ज्यादा हैपनिंग लगी और यही इनका मेन लोकेशन है जहाँ पे आई लव चुंगसी लिखा हुआ है और ऊपर ये आपका IFS बिल्डिंग जिसमें आप देख रहे हैं, मतलब मॉल के अंदर जा कर के देखते हैं कि क्या है ऐसा, क्या कुछ एक्सक्लूसिव है या क्या है अंदर। ठीक है तो चलिए चलते हैं अंदर। और ये है इनका शॉपिंग मॉल जो IFS है, वो अंदर से ऐसा दिखता है। यही है भाई, वो जो पांडा नीचे से लटका हुआ था ना, पूरा मॉल क्रॉस करके आए हम। मॉल में बहुत फैंसी फैंसी शॉप्स थी बिल्कुल इस तरह से और वहाँ आप लाइन देख रहे हैं, एक बार लाइन देखिए वहाँ पे, इतनी लंबी लाइन। हमें लगा कोई खाने की चीज़ें खरीदने की चीज़ें नहीं है, इतनी लंबी लाइन लग रही है। ये भाई के साथ आई एम हियर के साथ फोटो खिंचाने के लिए, ये भाई के जो फैन फॉलोइंग है ना, ये है देखिए इनका आई एम हियर। देखिए हम तो अभी स्किप कर रहे हैं, हम तो नहीं जा रहे, मैडम पूरा लाइन वाइन कंट्रोल कर रही है, लेकिन अगर आप चाहें तो भाई के साथ फ़ोटो खिंचा सकते हो। तो आई एम हियर लिखा हुआ है IFS बिल्डिंग पे और ये छत है इन अवे उनकी, तो खाने पीने की चीज़ें ज़्यादा अच्छी है, उधर गार्डन वार्डन एक्सप्लोर कीजिए। और बस ये रहा आपका आई एम हियर। तो ये थी यकुजा एक्सप्रेस चुंगसी स्ट्रीट चेंगदू सिचुआन प्रोविंस चाइना से। अगर आप और इसी तरह के एक्साइटिंग अनोखी सी एक्सपीरियंसेस देखना चाहते हैं तो यकुजा एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।
इसी के साथ इस व्लॉग को यहीं विराम देते हैं। बने रहिए यकुजा एक्सप्रेस की चाइना यात्रा में।